नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है परामर्श मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी बच्चों का यह कहना था कि आपका पेपर MCQ फॉर्म में होगा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या है MCQ की सीरीज स्टार्ट की है। पेपर फर्स्ट का भी आएगा, पेपर सेकंड का आएगा। तो आज परामर्श मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ हम क्लास में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है, यह कथन किसका है। तो उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो यह कथन है वेबस्टर महोदय का। दूसरा क्वेश्चन है परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, ठीक है। तो परामर्श में किन दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, तो आप जानते हैं कि परामर्श में परामर्शदाता और परामर्श पार्टी के बीच संबंध रहता है। तीसरा है व्यक्ति को स्वयं अपने संबंध में जानने के लिए अपनी सामर्थ्य तथा संभावनाओं का ज्ञान करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ती है किसकी, परामर्श की, काउंसलिंग की। चौथा क्वेश्चन है व्यक्ति को स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकार करना क्या है, आत्मस्वीकृति इसको बोलते हैं। पांचवा है परामर्शदाता में किसका गुण होना आवश्यक है, तो परामर्शदाता में दूरदर्शिता का भी गुण होना चाहिए और साथ ही साथ गंभीरता का भी गुण होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है व्यक्ति से साक्षात्कार के माध्यम से उसे अपने आप को तथा साथ ही उसकी परेशानियों को समझने में सहयोग करना किसका कार्य है, तो ये कार्य है परामर्शदाता का, ठीक है। अगला सातवां क्वेश्चन है साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने बैठकर व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, जोन्स महोदय का है, ठीक है। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों में दूसरा प्रकार जो है मैच द फॉलोइंग, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसे दिया रहेगा, ये दो दिया रहेगा, दोनों को क्या आपस में मिलाना, तो जो सही आंसर रहेगा। तो देखिए परामर्श का हमने मिलाया है, परामर्श क्या है, एक दीपक के समान है। दूसरा निर्देशन, तो निर्देशन क्या है, एक शरीर है, तो परामर्श उसकी आत्मा है। निर्देशन एक शरीर है और परामर्श क्या है, उसकी आत्मा। तीसरा परामर्श में प्रत्यक्ष क्या होता है, सहायता प्रदान नहीं की जाती, परामर्श में प्रत्यक्ष सहायता नहीं प्रदान की जाती, बल्कि परामर्श पार्टी को इस योग्य बना दिया जाता है कि वो स्वयं अपनी सहायता करने योग्य रहता है। चौथा है परामर्श निर्देशन क्या है, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। पांचवा है निर्णय, निर्णय तो स्वयं परामर्श पार्टी को ही करना पड़ता है, ठीक है। छठवां है निर्देशन तथा परामर्श का, तो निर्देशन तथा परामर्श का आपस में घनिष्ठ संबंध है। देखिए इस तरह से हमने मैचिंग या ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे हम इसी कड़ी में बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और टू द फॉल्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आइए अब बहुविकल्पी का एक और पैटर्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, देखिए ऐसे ब्लैंक कर दिया है, मैंने आंसर भी लिख दिया यहाँ पे, के अंतर्गत केवल दो मनुष्यों का आपस में संपर्क होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परामर्श के अंतर्गत परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के बीच आपस में संपर्क होता है। दूसरा है परामर्श की प्रक्रिया उस समय समाप्त हो जाती है जब परामर्शकर्ता परामर्श प्रार्थी को किसी निर्णय पर पहुँचने में सहायता दे देता है, तो इसमें भरा जाएगा परामर्शकर्ता और परामर्श प्रार्थी। तीसरा है एक परामर्शदाता को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आवश्यक है, तो आंसर है व्यवसायों। किसी भी फैसले को स्वीकार करना स्वयं परामर्श प्रार्थी का ही अधिकार होता है, ठीक है। इसमें परामर्शदाता ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि नहीं आपको मानना पड़ेगा, तो फैसले इसमें हो जाएगा। पांचवा है व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करना ही परामर्श का क्या है, उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य यही है कि जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्याओं का निराकरण करना। अब ये कह रहा है खाली स्थान मेष व्यक्ति को स्वयं के स्वरूप विकास के अंतर्गत अपनी कमियों अक्षमताओं और सीमाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, किसमें, आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति क्या होता है, अपने आप को स्वीकारना। तो अपने आप को हम स्वीकारेंगे केवल पॉजिटिव गुण के साथ नहीं, हमारे जो निगेटिव है उसको भी, गुण है उसको भी हम स्वीकारेंगे।
सातवां और लास्ट क्वेश्चन है, परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को दी जाने वाली मदद सीधे तौर पर किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से निजी रूप से मिलकर ही उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ट्रेंड काउंसलर होता है, ये नहीं कि कह रहे वो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं रहेगा तो अच्छे से वो आपको काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमेशा एक ट्रेंड काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको परामर्श मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पार्ट वन में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बताया। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करेंगे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आज के क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।